नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं फ्री वॉइस के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। भारत में पिछले 24 घंटों में 5,921 कोविड मामले सामने आए, 289 लोगों ने अपनी जान गंवाई, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। जम्मू के सांबा जिला में गाड़ी के नियंत्रण खोने के कारण दुर्घटना, खाई में गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों सहित 5 लोगों की मौत, एक घायल। ऑल रिटायर पुलिस, एनजीओ और ओआरएस फोरम ने आज जम्मू में किया प्रदर्शन, कहा कि सरकार द्वारा बस कमेटी बिठाई जाती, कोई हल नहीं निकाला जाता। बीएसएफ ने जम्मू में एलओसी पर संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधि को देखते ही 10 मिनट के भीतर करीबन 18 राउंड फायरिंग की, अधिकारियों ने बताया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व स्पिनर शेन वॉन का थाईलैंड में दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, भारत और श्रीलंका की टीमों ने काली पट्टी बांधकर किया शोक व्यक्त। आखिर पर मौसम की जानकारी, जम्मू कश्मीर के मौसम में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जहां हल्की धूप के साथ बादल भी छाए देखने को मिल रहे हैं। बात करें तापमान की तो श्रीनगर का न्यूनतम तापमान 4 और लद्दाख का -16.5 और जम्मू का 10.7 दर्ज किया गया। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें, और भी खबरों के लिए बने रहे फ्री वॉइस के साथ।